यहाँ 1 रुपये में भोजन देते हैं, 1 रुपये की थाली भरपेट वाली, वो भी हम 1 रुपया, कई लोग सोचते हैं भाई 1 रुपये क्यों ले रहे हो, खाने वाला ये ना सोचे कि मेरे को फ्री में मिल रहा है, वो गर्व से ये कह सकता है कि मैंने 1 रुपये दे के खाना खाया है। मेरा नांगलोई में श्री श्याम रसोई पिछले 3 वर्षों से आपकी सेवा में लगी हुई है और आगे भी लगी रहेगी। तो गर्मी के समय के अंदर मैंने एक होटल में रुका, मैंने उससे कहा कि भैया मुझे पानी की एक बोतल चाहिए, तो पानी की बोतल मैंने ली, तो एक आदमी के पास 10 रुपये थे, उसने उसको कहा होटल वाले को कि भैया 2 रोटी दे दो मेरे को। उस होटल वाले ने कहा कि मेरे होटल पे 10 रुपये में नहीं रोटी मिलती। तो मैंने उसको कहा यार कोई बात नहीं, उसको तू खाना दे। तो मैंने उसको 100 रुपये दे के, मैंने कहा इसका पेट जो बंदा खाने वाला था, मैंने कहा तू गर्व से खा, इससे जो पैसे बचे तो अपने घर ले जा। ये उस दिन मेरा ठेस पहुँचा, मैं अपने घर आया, अपने बच्चों से मैंने बात करी, मैंने कहा बेटा अब मेरे पास सब कुछ है और आप लोग अच्छा कमा रहे हो, तो मैं अपना जीवन सेवा में लगाना चाहता हूँ। और आज की डेट के अंदर सभी की भागीदारी से चल रहा है ये। श्याम रसोई की मेरी अकेले की औकात नहीं है, मैं किसी एक आदमी को भी खाना खिला सकूँ, ये सभी की भागीदारी से चल रहा है। मेरे मेन्यू में डेली 2-3 सब्जियां होती हैं, चावल होता है, मीठा होता है, और आपकी रोटी होती है। रोटी नहीं बना पाते, पूरी भी बन जाती है। तो डेली जल की सेवा, ठंडा जल होता है। जैसे अब गर्मियां पड़ रही हैं, गर्मियों में शरबत देते हैं हम, शरबत दूध वाला शरबत होता है, तो ये रोज़ाना चलता है। और ये 365 दिन खुला रहता है, इसकी कोई छुट्टी नहीं है, चाहे कोई होली हो, चाहे कोई दिवाली हो, चाहे कोई दशहरा हो, अगर मेरे घर में दुख सुख रहेगा तो भी ये खुला रहेगा। हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम है, कोड़ियों के आश्रम है, पहले खाना वहाँ जाता है सवेरे, उसके बाद फिर 11 बजे से 1 बजे तक हमारे यहाँ लंच होता है। हमें धन की ज़रूरत नहीं है, हमें राशन की ज़रूरत है। आप हमारे को थोड़ा थोड़ा राशन का योगदान दें, जिससे कि ये शाम रसोई चलती रहेगी।